हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह उठ के ये हरा भरा नज़ारा देखने में कितना अच्छा लगता है ना? पर सुबह तो है, नो डाउट, अभी 7:30 7:50 नहीं बजा है, पर बाहर इतनी गर्मी, इतनी धूप, देख के लग रहा है कि शायद 11:30 11:30 ऐसा बजा होगा। उठते ही मतलब धूप, बेड से उठ के ही धूप। जो भी हो, दिन का काम शुरू, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। ये हेडबॉक्स का जो एरिया है ना, ये मैं जितना भी साफ करूँ रोज दिन, ये बहुत बिखर जाता है, पता नहीं क्यों। और इतना डस्ट भी कहाँ से आता है मुझे समझ में नहीं आता है। ऊपर है घर फिर भी। और मेडिसिन देखिए, कल बाकी टेस्ट, मैंने उस दिन जो आप लोगों को बताया था, बाकी टेस्ट करवाना था, वो करवाने के बाद डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर के पास जाने से तो और क्या, इतना सारा मेडिसिन। और प्रॉब्लम है कि उनको मेडिसिन देना बहुत प्रॉब्लम है, पीछे लगे रहना पड़ता है, अभी ये वाला मेडिसिन, अभी वो वाला मेडिसिन, मतलब मेरा स्ट्रगल शुरू आज से। कल का दाल था तो उसको आज अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे दाल के हिसाब से खाने के लिए, तो मैं उसको अभी सुखा रही हूँ। इधर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मैगी। मैंने कुछ नहीं दिया आज, सिर्फ थोड़ा सा प्याज दिया है। ये है हमारी आज की ब्रेकफास्ट, मैंने थोड़ा सा मैगी बनाया था और आम और बनाना। ये सब इसलिए अभी खा रही हूँ क्योंकि गर्मी में ना एक दिन ला के रखने से काला काला हो जाता है और बाद में खाने को मन नहीं करता है, इसलिए मैंने सोचा अभी खा लूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर बनाना है खाना। अभी किचन का हाल देखिए, एक बार इसको अच्छा से साफ कर लूँ फिर लंच का प्रिपरेशन शुरू करूंगी। लंच में एक तो चीज़ जो कल रात का दाल था वो तो मैंने बना लिया है, अभी इसको एक बार साफ कर लेती हूँ। ये क्या हुआ है, ये वैसे तो कुछ है नहीं, मेडिसिन नहीं है, ये कोलगेट दिया है मैंने फिश फ्राई करने के टाइम, पूरा आके ऑयल यहाँ पे गिरा है, तो कुछ देर बाद ये काला काला ऐसे फूल जाएगा, इसलिए मैंने फटाफट से कोलगेट दे दिया है। आप लोगों को भी पता होगा, अगर घर में कुछ ना हो तो कोलगेट देने से अच्छा रहता है। यही वो फिश है जिसने मेरा हालत आज खराब किया है। ये फिश करी ऑलमोस्ट हो ही गया है, अभी इसमें मैं थोड़ा सा दे दूंगी धनिया पत्ता, और ये धनिया पत्ता लोकल वाला नहीं है, थोड़ा सा 2 ग्रीन चिली और सरसों का तेल ऊपर से, क्योंकि ये मास्टर सीड से बना हुआ सब्जी में ना थोड़ा सा कच्चा तेल देने से अच्छा लगता है। अभी इसको मैं ढक के रख दूंगी गैस ऑफ करके, मैं आप लोगों को दिखाना भूल जाती हूँ, तो आज इसीलिए अभी दिखा रही हूँ। ये है आज की लंच का मेनू, फिश करी विद मस्टर्ड सीड्स, और ये थोड़ा सा बचा हुआ है कल का आलू और कटहल का जो सीड होता है ना उसका फ्राई, ये तो सुबह आप लोगों को दिखाया था, सूखा हुआ दाल को मैंने सूखा लिया था। सब काम ख़त्म हो चुका है और अभी जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर,
कुछ कुछ काम होता है ना दिन में जाने से ही ठीक रहता है, रात को होता भी नहीं है, तो इसलिए धूप है बाहर, गर्मी भी बहुत है, फिर भी जा रही हूँ, उपाय नहीं है। इसे देख के लग रहा है ना कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। देखिए इसमें सब वो कुछ दिन जो मैंने साड़ी पहना था, ये सब साड़ी अभी सिंप्लेक्स में देना है ड्राई वॉश के लिए, ड्राई क्लीन के लिए। उस दिन प्रोग्राम में ये साड़ी मैंने पहना था और वाइट साड़ी है, घर में धोने की मैं रिक्स नहीं ले सकती, इसलिए सिंप्लेक्स में देने आई हूँ। और उनको भी एक ब्लैक फॉर्मल पैंट कब से सिलवाना था, तो मैंने बोला कि आज ही कर लो ये सब काम, क्योंकि दोपहर के टाइम ना खाली खाली रहता है दुकान, शाम के टाइम भीड़ भी हो जाता है, और देखिए बाहर का हालत जैसे कि कोई है ही नहीं। और मेरा काम हो भी चुका है और मैं घर भी आ चुकी हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल मेरा हाल देखिए, पसीने से लथपथ। और अभी बजा है 1:05 बाकी है, 5 मिनट नहीं थोड़ा सा और 10 मिनट। उफ क्या गर्मी, आप लोग कैसे हो ये बताना जरूर। गर्मी से तो सबका हाल ही बेहाल है, वो तो पता ही है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत बार आप लोगों से बोल चुकी हूँ कि मेरा जितना स्वेटिंग होता है ना शायद ही किसी का होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ और इसीलिए मेरा हाल थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड है जो हमेशा मैं जिसके घर में जाती हूँ वो भी मेरे घर में आती है, वो तो मुझे लिटरली डांटती है, बोलती है क्या तुम रुमाल लेके रगड़ती रहती हो, ऐसे ऐसे पफ क्या करो। मैं तो ऐसे ऐसे रगड़ती हूँ हैंकी लेके मुँह को, वो उसके सामने मैं ऐसे ऐसे करके पोंछती हूँ अपनी पसीना, क्योंकि वो अगर देखती है ना मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो मुझे बोलने लग जाती है क्या तुम रुमाल लेके ऐसे ऐसे करती हो, इसको ऐसे ऐसे करो। क्या करूँ मैं, मेरा जितना पसीना निकलता है ना मैं अगर ऐसे ऐसे करूँगी तो होगा ही नहीं। जो भी फ्रेंड्स, सुबह तो मैंने कब का ब्लॉगिंग शुरू कर दिया था, लंच भी मेरा हो गया, ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने कब का ही कर लिया, और इनफैक्ट वो घर में ही है, मतलब घर में मतलब छुट्टी पे है, आज उन्होंने लीव लिया है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेडिसिन शुरू किया है, तो मैंने भी बोला एक दिन छुट्टी ले लो, ऐसा तो होता नहीं है कि छुट्टी लेते हो, तो इसलिए आज उन्होंने लीव लिया है, घर में ही है। बापरे, तो हम घर में रहना क्या था? हम लोगों का तबीयत भी खराब होने से ऐसे तो नहीं कि लेटे रहेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। फिर ब्रेकफास्ट किया, लंच बनाया, सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा मम्मी का फ़ोन आ रहा है इसलिए मैं देख रही हूँ किसका फ़ोन है, बाद में करूँगी। तो थोड़ा सा बाहर गई थी, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था उनका भी, ऑफिस का कुछ लाना था, वो लाए। फिर एक उनको बहुत दिन से एक ब्लैक पेंट बनाने का मन कर रहा था, इतना सारा ब्लैक पेंट घर में है लेकिन किसी का भी फिटिंग बोले अभी ठीक नहीं है, तो ब्लैक पेंट बनाना था उनको, तो उसके लिए फिर ये सब कर करके थोड़ा बहुत मेरा भी काम था। ओ मेन काम था जो साड़ी मैं पहनी थी उस दिन, वो वाला साड़ी थोड़ा ड्राई क्लीन में देना था, ये सब करके आई। और फिर मुझे उन्होंने रास्ते पे बोल रहे थे कि घर तक छोड़ दे, मैंने मना किया कि नहीं चाहिए मैं आ जाऊँगी, वो अभी थोड़ा सैलून गए हैं, वहाँ से आएंगे फिर वो नहाएंगे। मेरा तो सब कुछ हो गया है, अभी जस्ट चावल चराना बाकी है। तो मैंने सोचा कि सुबह से मैंने आप लोगों से एक बार भी बात नहीं किया, जस्ट ऐसे ही वीडियो कर रही थी, और सच बोलूँ गर्मी में ना हमेशा ठीक ठाक भी नहीं रहती हूँ कि कैमरा पूरा फेस टू फेस ऑन करूँ, इसलिए सोचा अभी थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से। पहले पानी पीऊँगी, मन कर रहा है कि पूरा बॉटल पी जाओ, तो अभी पानी पीऊंगी, उसके बाद ड्रेस चेंज करूंगी, फिर कपड़ा सूखने देना है, ये सब बहुत सारा काम है।
काम कहाँ खत्म होता है। देखिए फिर से एक बार मैंने किचन पूरा क्लीन करके गई, अभी फिर से बर्तन इतना सारा, एक बार मैं इतना सारा बर्तन धो के गई, फिर देखिए इतना सारा बर्तन निकल जाता है, अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। वो भी आ चुके हैं और उनका नहाना भी शायद हो ही चुका है, तो मैं अभी ड्रेस चेंज करके फ्रेश हो जाऊंगी, फिर हम लोग लंच कर लेंगे क्योंकि 2:30 हो चुका है ये सब काम करते करते, और खाना खा के आज थोड़ा रेस्ट लूंगी मैं। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और देखिए ना मैं कितना सो गई थी आज दोपहर को, और अभी बजा है 6:30, उठी हूँ कुछ देर पहले ही उठी हूँ, लेकिन इतना कभी भी मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ, आज एकदम सुकून से सोए, पता नहीं अभी रात को मेरा मुझे नींद आएगी कि नहीं, तो अभी चाय बना रही हूँ फटाफट से, सोचा था नहाऊंगी अभी, नहा के चाय बनाऊंगी, लेकिन वो बोल रहे कि वॉक पे जाएंगे, पता नहीं कितना दिन करेंगे क्या नहीं, तो मैं भी जाऊंगी साथ में, तो चाय बना लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं हो गई रेडी, जा रही हूँ वॉक के लिए, पीछे वो भी रेडी है, दोनों निकल रहे हैं अभी, और इसी के साथ मैं आज का ये छोटू सा वीडियो ये पैन करती हूँ, और मेरा हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मैंने लगाया था कल बालों में तेल, जो कि आज करना था मुझे शैम्पू, पर मैंने किया नहीं, जानबूझ के किया नहीं, और बहुत गर्मी है, पता नहीं कैसे सब रह रहे, मैं तो पागल होती जा रही हूँ, और मेरा बाल झड़ते झड़ते हाल ऐसा हुआ है कि अभी देखिए ऑयल लगाने से पूरा दिखाई देता है, कुछ दिन बाद हो जाऊंगी टकलू। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ये पैन करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलूंगी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।